हेलो तो कैसे हैं गायज आई होप अच्छे होंगे मैं पाठक चर्चितानंद आपका स्वागत करते हैं पाठक एजुकेशन सेंटर में लर्न विथ फन आज के ट्यूटोरियल्स में हम पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस के रिगार्डिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो देखें सबसे पहले चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ़ द फॉलविंग इज द कॉरेक्ट साइंटेक्स ऑफ इंक्लूडिंग ए यूजर डिफाइंड हैड्रोफाइल इन सी प्लस प्लस तो इसका आंसर होगा हेच इंक्लूड यूजर डिफाइंड चलिए आप एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखते रहिएगा पॉज कर करके मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन बता देता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी होगी क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अधिक हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉल्विंग इज द कॉरेक्ट आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस तो इसका आंसर होगा सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थ्री नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर एम प्रसेंट इज नोन एज कार एड्रेस ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस ओके नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कॉमेंट लाइन इन सी प्लस प्लस आंसर होगा सी बोथ कॉमेंट और सी जो सी नंबर में है आप देख रहे होंगे फॉरवर्ड स्लैस डबल यानी कि ये बोलता है कि सिंगल लाइन कॉमेंट और ये होता है

आंसर होगा ए सी आई एन गेट सी एच नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट विच फंक्शन इज यूज टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर टू कंसोल इन सी प्लस प्लस इसका आंसर होगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन वाट आर द स्कैप सीक्वेंस स्कैप सीक्वेंस क्या होता है इसका आंसर होगा ए सेट ऑफ कैरेक्टर दैट स्पेशल मीनिंग इन अ प्रोग्राम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्केप स्केस रिप्रेजेंट कैरियर आर गुमेंट रिटर्न इसका आंसर होगा ए स्लैस आर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट स्टैब इसका आंसर होगा ए स्लैस टी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेल्थ हु क्रिएटेड सी प्लस प्लस ये तो आप सभी लोग जानते होंगे किसने सी प्लस प्लस को क्रिएट किया था आंसर होगा ए बंजर एस्ट्रो अस्ट्राप ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इन और स्लैश पुट टू ऑपरेटर इसका आंसर होगा ए ऑपरेटर इज यूज इंसर्ट और पुट टू ऑपरेटर दैट मीन इंसर्ट पुट थिंग टू कंसोल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टीन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन और गेट फ्रॉम ऑपरेटर इसका आंसर होगा बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टीन नंबर अ लैंग्वेज विच हैज कैपेबिलिटी टू जनरेट न्यू डाटा टाइप आर कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको कोई जल्दी बताइए चलिए मैं बताता हूँ कोई आंसर होगा ए एक्सटेंसिबल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटीन रैपिंग डाटा एंड इट्स रिलेटेड फंक्शनैलिटी इन टू अ सिंगल इंटिटी इज नॉन एज जल्दी आंसर दीजिए नहीं पता है मैं बताता हूँ इन इज राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवनटीन हाउ अ स्ट्रक्चर एंड क्लास इन सी प्लस प्लस डी आंसर होगा ए इन अ स्ट्रक्चर मेंबर आर पब्लिक बाई डिफॉल्ट वेयर इन क्लास दे आर प्राइवेट बाई डिफॉल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन वोलीमोरफिज्म इन ऑप्स मीन्स पोलिफोर्मी पोलीमोरफिज्म से आप क्या समझते हैं इन ऑप्शिमिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप पोलिफोरफिज से क्या समझते हैं तो इसका आंसर होगा ए कंसेप्ट ऑफ अलाउंग ओवरलोडिंग ऑफ अ फंक्शंस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच कंसेप्ट अलाउ यू टू रील यूज द रिटन कोड रिटन कोड को कौन यूज कंसेप्ट अलाउ करता है री करने के लिए तो आंसर होगा सी इनहेरिटेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है विच ऑफ द फॉलोइंग सो मल्टीपल इनहेरिटेंस गिव दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मल्टीपल इनहेरिटेंस को शो कर रहा है तो आंसर होगा आपके पास आंसर सी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन चलिए हाउ एक्सेस स्पेसिफायर इन क्लास हेल्प्स इन अब्स्ट्रेक्शन आंसर होगा बी दे अलाउ अस टू शो मनली रिक्वायर्ड थिंग्स टू आउटर वर्ल्ड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी नंबर ट्वेंटी टू सी प्लस प्लस इज आपके पास गिवन ऑप्शन है सी प्लस प्लस है क्या है चूज करेक्ट आंसर देखिए तो आंसर होगा इसका डी बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी थ्री वाट डज मॉड्यरिटी मीन मॉड्यिटी से क्या समझते हैं तो इसका आंसर होगा बी सब डिवाइडिंग प्रोग्राम इनटू टू स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास अलाउड टू डिक्लेयर ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ इट इसका आंसर होगा सी सिंगल टोन क्लास चलिए आंसर देख लीजिए चलिए नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कंस्ट्रक्टर नहीं है चलिए इसका आंसर होगा ए फ्रेंट कंस्ट्रक्टर नेक्स्ट है ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोविंग इज कॉरेक्ट दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कॉरेक्ट है चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी डिराइव्ड क्लास पॉइंटर ऑब्जेक्ट कैनॉट पॉइंट टू अ बेस्ट क्लास ऑब्जेक्ट ओके राइट आंसर चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन है आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ द क्लास इसका आंसर होगा बी फ्रेंड फंक्शन नेक्स्ट है ट्वेंटी नंबर एट वाट इज अदर नेम यूज फॉर फंक्शन इन अ क्लास इसका आंसर होगा बी मेंबर फंक्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच ऑफ द फॉलोविंग कैनॉट बी अ फ्रेंड ंसर सी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वाई रिफ्रेंस आर डिफरेंट फ्रॉम पॉइंटर्स इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द मेन्शन ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामर विद द फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इन अदर क्लास इसके आंसर हो जाएगा आपका बी कंपोजिशन राइड आंसर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमर्फिज्म आर देर इन सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस में भी कितने टाइप्स के पॉलीमर्फिज्म uh, हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर्फिज्म ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी थ्री हाउ रन टाइम पोलीमर्फिज्म आर इम्प्लीमेंटेड इन सी प्लस प्लस इसका आंसर हो जाएगा डी यूज इंग इन्हेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर हाउ कंपाइल टाइम परफ्यूज आर इम्प्लीमेंटेड इन सी प्लस इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी यूजिंग टेम्पलेट्स क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एन अब्सट्रैक्ट डाटा टाइप इनमें से कौन सा अब्सट्रैक्ट डाटा टाइप है इसका आंसर होगा सी क्लास नेक्स्ट थर्टी सिक्स विच कंसेप्ट मीन्स द एडिशन ऑफ न्यू कंपोनेंट्स टू अ प्रोग्राम एज इट रन आंसर होगा सी डायनेमिक लोडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द ओवर लोडिंग ऑफ फंक्शंस आंसर होगा सी एड हॉक वॉलीम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज बाय सी प्लस प्लस इसका आंसर होगा बी बॉटम अप राइट आंसर बी होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस दिए गए फंक्शन ऑप्शन में से कौन सा इनहेरिटेंस नहीं है तो न, इसका आंसर हो जाएगा सी डिस्ट्रीब्यूटिव नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टी व्हाट हैपेंस इफ अ क्लास डज नॉट हैव अ नेम आंसर होगा सी इट इज नॉट अलाउड क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन आप इस कोड को रन करके देख सकते हैं क्या हो रहा है क्या आउटपुट आ रहा है कंपाइल करने पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी वन विच मेंबर आर इनहेरिटेड बट नॉट एक्सेसिबल इन एनी केस आंसर होगा ए प्राइवेट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू पिक वन आउट आंसर ए फोर्टी थ्री विच डाटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट द ऑप्शन ऑफ पैरामीटर कौन सा डाटा टाइप है जो कि पैरामीटर को ऑप्शन रहने पर वो रिप्रेजेंट करता है आंसर होगा सी वर्ड वर्ड डाटा टाइप फोर्टी फोर वाट डज स्लैस ए स्कैप कोड रिप्रेजेंट अलर्ट आंसर ए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी फाइव विच टाइप इज बेस्ट सूटेड टू रिप्रेजेंट द लॉजिक वैल्यूज आंसर होगा बी बुलियन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स वेन लैंग्वेज हैज द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू डाटा टाइप मीन्स इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड आंसर होगा बी एक्सटेंसिबल नेक्स्ट पीक वन आउट आंसर आपके सामने है सी इंटीजर इन एम वाइड एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी एट इज बुल ऑफ फंडामेंटल डाटा टाइप इन सी प्लस दस आंसर एस नेक्स्ट है फोर्टी नाइन वाट इज द वैल्यू ऑफ द बुल दिए गए आपको प्रोग्राम में से सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा तो चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं बी फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी व्हाट हैपन्स वेन अ नल पॉइंटर इज़ कन्वर्टेड इन टू बुल क्या होगा जब नल पॉइंटर को बुल में कन्वर्ट किया जाए तो इसका आंसर होगा सी बुल बुल वैल्यू इवेलुएट्स टू फॉल्स नेक्स्ट फिफ्टी वन इवेल्युएट द फॉलोइंग इसको इवेलुएट कीजिए क्या आंसर होगा आंसर होगा बी वन next 52 evaluate the following scanseoga answer b1 next how many character are specified in a in the ascii scheme its answer b 128 next in c++ what is the sign of character data type by default its answer implementation dependent next 55 the operator used for differencing और इन डायरेक्शन इज का आंसर होगा ए एस्ट्रिक नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी सिक्स वाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे विथ नाइन एलिमेंट आंसर होगा बी एट नेक्स्ट है फिफ्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस द सेवेंथ एलिमेंट स्टोर्ड इन एरे। इसका आंसर होगा ए एरे वैल्यू सिक्स next 50 add which of the following gives the memory address of the first element in array is be d array next 59 what is size of generic pointer in c++ in 32-bit platform is kansa over b 4 next 60 the const constants are also called in laterals answer c over next 61 how are the कॉन्टेंट डिक्लियर्ड कॉन्स्टेंट कैसे डिक्लियर होते हैं इसका आंसर होगा सी बोथ कॉन्स्टेंट की वर्ड एंड हैज डिफाइंड प्री प्रोसेसर नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स इन इन्वर्टेड कॉमा इज इसका आंसर होगा सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्सटी थ्री द डाटा एलिमेंट इन द स्ट्रक्चर आर ऑल्सो नोन एज वाट आंसर होगा बी मेम्बर्स Next 64, what will be used when the terminating a structure? Answer hoga C. semicolon Next question is 65. What will happen when the structure is declared? Java structure declared hoga to kya hoga? Answer A. It will not allocate any memory. Question number 66: The declaration of the structure is also called as answer C. A structure a specifier. Next question is 67. Which operator is having the highest precedence? Answer A. Postfix. What is the operator called? This. Answer C. A. Conditional. Question number 69. How are many sequence of statements present in C++? Answer A. C. There are 5 sequence of statements present in C++. Next is 20 question number the if else statement can be replaced by which operator b conditional operator next is 21 the switch statement is also called as answer b selective structure question number 22 how many times of loops are there in c++ answer a there are four types of loop are there in c++ which looping process is best used when the member of Iterations is known. Answer A4. Question number 24. How many types of comments are there in C? Answer B. There are two types of comments single line comment and multi line comments. Chari, next question hai, What is comment in C? Answer A. Comments are parts of the source code discredited by the compiler. Okay. Next question 26 What type of comment does C support? आंसर सी सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन 27 सेवन वाट इज यूज टू राइट मल्टी लाइन कॉमेंट इन सी प्लस प्लस तो आपको इजी क्वेश्चन है आपको पता ही होगा आंसर ए नेक्स्ट है 28 एट वाट विल हैपन वेन वी यूज वर्ड इन आर्गूमेंट पासिंग आंसर ए इट विल नॉट रिटर्न वैल्यू टू इट्स कॉलर नेक्स्ट क्वेश्चन स्वेंटी नाइन वेयर डज द एक्सक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट ये सबको पता है मेन फंक्शन आंसर बी Next question is 80. What are mandatory parts in the function declaration? The answer A return type function name. Question number 81. Which of the following is used to terminate the function declaration? Kya semicolon. Answer C right answer. Question number 82. How many can max number of arguments present in function in the C99 compiler? Answer D 127. Question number 83 Which is more effective while calling the function? Call by reference is the right answer. Option number B. Question number 84 What is the scope of the variable declared in the user defined function? Answer B. Only inside the curly braces block. Next question 85. How many minimum number of functions should be present in the C program for its execution? Answer B1. Question number 86. Which of the following is the default return value of function in C? Answer A. Int. Question number 87. What is the inline function? Inline function kya? Answer A. Function that expanded at each call during execution. क्वेश्चन नंबर एटी एट इन लाइन फंक्शन इज एक्सपेंडिंग ड्यूरिंग नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर था देख सकते थे रन टाइम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एटी नाइन वेन वी डिफाइन द डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर अ फंक्शन आंसर होगा बी वेन अ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड क्वेश्चन नंबर नाइनटी वेयर सू डिफॉल्ट पैरामीटर्स अपीयर इन द फंक्शन प्रोटोटाइप आंसर होगा बी ए टू द राइट मोस्ट साइड ऑफ द पैरामीटर लिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज इन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गूमेंट्स इसका आंसर होगा सी ऑब्स्ट्रेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू फ्रॉम विच फंक्शन द एक्सक्यूशन ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम आर स्टार्ट ये सबको पता है मेन फंक्शन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट इन अ फंक्शन इसका आंसर होगा सी both return type and function name question number 94 how many way of passing a parameter are there in c++ question answer be C. there are three types of parameter passing in c++ next question hai, 95 which is used to keep the call by reference value as intact answer 5 B. constant question number 96 by default how the value are passed in C++ a call by value question number ninety seven what will happen when we use void in argument passing answer a it will not return the value to its caller question number ninety eight what is the user defined header file extension in C++ answer b h dot is the extension are used for user defined header files next question number ninety nine which of the following keyword is used to declare the header file h includes that means option number a question number 100 which of the following header file does not exist answer be c question number 101 what does a class in c++ holds c both data and function question number 102 how many specifiers are present in access Specify in class answer C. There are three. Question number 103. Which is used to define the member of a class externally? Answer B. Question number 104. Which other keywords are also used to declare the class other than class? Answer. Hoga. Answer. Hoga D both abstract and union. Next question 105. The data member and functions of a class in C are default. B. Private. Next question 106. Constructors are used to. Answer A. Initialize the object. Next question 107. When a structure is used instead of the keyword class means what will happen in the program? Answer A. Access is public by default. क्वेश्चन नंबर 108 हाउ टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट इन द क्लास आंसर होगा सी डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 हंड्रेड पिक आउट द ऑदर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इसका आंसर होगा डी इंस्टेंस ऑफ द क्लास क्वेश्चन नंबर 110 हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स कैन रिप्रेजेंट इन सिंगल क्लास इसका आंसर होगा डी एज मेनी एज पॉसिबल चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है वन हंड्रेड इलेवन विच स्पेशल कैरेक्टर इज यूज टू मार्क द एंड ऑफ अ क्लास आंसर होगा ए सेमी कलन इज द राइट आंसर चलिए बोनस क्वेश्चन है विच की वर्ड इज यूज टू डिफाइन द यूजर डिफाइन डेटा टाइप इसका आंसर होगा सी बट आंसर एक गलत दिया गया लेकिन आंसर होगा सी अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना तो हमारे फेसबुक पेज पे विजिट कीजिए और वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं